हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा एक केक डिज़ाइन बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे एक रेड वेलवेट केक बना रही हूँ जो मैं एक टीनेजर गर्ल के लिए बना रही हूँ, लेकिन आप यहाँ पे किसी भी फ्लेवर का कोई भी केक ले सकते हैं। और मैं यहाँ पे क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप यहाँ पे नॉर्मल नॉन डेरी व्हिप क्रीम का यूज़ करके भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलिए केक बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एगलेस रेड वेलवेट स्पॉन्ज। तो आज मैं एक हाफ के जी का केक बनाने जा रही हूँ। तो ये है इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट। आप चाहें तो इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, और केक बनाने से पहले आप ये सारे इंग्रेडिएंट्स को सबसे पहले एक जगह पे इकट्ठा करके रख लें, ताकि केक बनाते वक्त कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। तो चलिए केक बनाते हैं। और केक बनाने के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप स्ट्रिक्टली मेजरिंग स्पूंस और कप का ही यूज़ करें, ताकि केक एकदम परफेक्ट बने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 3/4 कप मिल्क। ये मिल्क रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए या हल्का सा वार्म होना चाहिए। इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ 3/4 टेबलस्पून विनेगर, और इसको मैं उठा के 5 मिनट के लिए साइड में रख दूँगी। ये मेरा बटर मिल्क बन के तैयार हो जाएगा। तो अब मैं अपना एक 6 इंच का केक टिन ग्रीस कर लेती हूँ। ग्रीस करने के बाद मैंने यहाँ पे एक पार्चमेंट पेपर लगा दिया है, और बिल्कुल आधा टीस्पून के अराउंड मैंने मैदा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है, ताकि जो कॉर्नर्स में कभी कभी केक चिपक जाता है वो चिपके ना और आसानी से डीमोल्ड हो जाए। अब हम एक बड़े से मिक्सिंग बोल में अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मैदा, 1 टीस्पून कोको पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, और अराउंड 1 पिंच बेकिंग पाउडर या 1/8 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को हम छान लेंगे। और अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 1/2 कप कैस्टर शुगर। आप चाहें तो घर की पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। अब इसमें मैं अपना बटर मिल्क मिक्स कर दूँगी जो मैंने अभी बनाया था, और साथ ही मैं डाल दूंगी 1/4 कप ऑफ कुकिंग ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस या स्मेल ना हो। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल कुकिंग ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। साथ ही में मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और यहाँ पे मैंने लिया है अराउंड 2 टेबलस्पून मिल्क, जो कि मेरे बटर मिल्क से अलग था। तो इसमें मैं अपना जो पाउडर कलर है, पाउडर रेड कलर, उसको मैं डाइल्यूट करके ले लूँगी। डाइल्यूट करने से कलर अच्छी तरह से बैटर में मिक्स हो जाता है। आप चाहें तो जेल कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जेल कलर क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा लगता है। यहाँ पे मैं 2-3 ड्रॉप्स ऑरेंज कलर का भी ऐड कर रही हूँ, जिससे कि जो रेड कलर है वो थोड़ा वाइब्रेंट रेड आए, ना कि मरूनिश शेड आए। तो ये सब मैं अपने बैटर में मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरा एक परफेक्ट रेड कलर का बैटर बन के तैयार हो गया है। अब एकदम लास्ट में हमें इसमें ऐड करना है अराउंड 1/2 टेबलस्पून ऑफ विनेगर। विनेगर को बेकिंग से जस्ट पहले ऐड करना है। उसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं अपने केक टिन में पोर कर लूँगी। अब इसको हमें 2-3 बार टैप करना है, ताकि एयर बबल सारे निकल जाएं। और इसको एक 180 डिग्री प्रीहीटेड ओवन में हमें 30-35 मिनट्स के लिए बेक करना है। तो रेड वेलवेट केक के साथ में हमें क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग का यूज़ करना होता है। तो ये फ्रॉस्टिंग कैसे बनानी है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप इन दोनों में से कोई भी वीडियो रेफर कर सकते हैं। ये वीडियोस देख के आप क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग बना लीजिए, फिर उसके बाद हम अपना केक को असेंबल और डेकोरेट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अपनी फ्रॉस्टिंग तैयार कर ली है। अब हम अपने केक को असेंबल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी फ्रॉस्टिंग को एक पाइपिंग बैग में फिल कर लूँगी। पाइपिंग बैग से अगर हम फ्रॉस्टिंग को केक के ऊपर अप्लाई करते हैं तो बहुत ही इवनली सारी फ्रॉस्टिंग अप्लाई हो जाती है। तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो हमेशा पाइपिंग बैग का यूज़ करें। तो सबसे पहले आप केक की टॉप लेयर को ट्रिम करके निकाल दीजिए, इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी इस केक में। आप कोशिश करें कि सीरेटेड नाइफ का ही यूज़ करें, इससे बहुत ईजीली केक कट हो जाता है। अब हम इस केक की 3 लेयर्स कर देंगे। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन जो मैं आज आपको बताऊंगी, ये आप नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम की फ्रॉस्टिंग के साथ भी बना सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि क्रीम चीज़ के साथ ही ये डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पे मेरी 3 लेयर्स कट के आ गई हैं। अब मैं केक बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा क्रीम अप्लाई कर रही हूँ, जिससे कि मेरा केक अच्छी तरह से स्टिक हो जाए केक बोर्ड के ऊपर और मूव ना करे। तो यहाँ पे मैंने शुगर सिरप लिया है। नॉर्मल 1/2 कप वाटर में मैंने 1 टीस्पून शुगर को मिक्स करके ले लिया है। इससे मैं अपने केक को अच्छी तरह से सोक कर रही हूँ। ये सोकिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको केक को सोक करना बहुत ज़रूरी है। और ये पाइपिंग बैग की हेल्प से मैं इस केक के ऊपर अपनी फ्रॉस्टिंग अप्लाई कर रही हूँ। अब इस फ्रॉस्टिंग को थोड़ा आप स्मूथ कर दीजिए पैलेट नाइफ की हेल्प से।
अब हम अपनी सेकेंड लेयर लगाएंगे। तो यहाँ पे जो मेरी टॉप लेयर थी मैंने उसको सेकेंड लेयर में लगाया है, उसको फ्लिप करके यानी उल्टा करके लगाया है, जिससे मेरे केक की हाइट थोड़ा सा बढ़ जाती है। तो इसको भी मैं सोक कर दूँगी, सेम प्रोसेस रिपीट करना है। अब हम अपनी थर्ड और फाइनल लेयर लगाएंगे। तो जो केक की बॉटम लेयर होती है पार्चमेंट पेपर वाली, उसको हम टॉप पे रखते हैं, क्योंकि ये एकदम फ्लैट लेयर होती है और हमें अपना टॉप एकदम फ्लैट चाहिए, तो इसको हम हमेशा टॉप पे रखते हैं। तो इस लेयर को भी अच्छी तरह से आप सोक कर दीजिए और क्रीम अप्लाई कर दीजिए। तो अब टॉप लेयर पे हमें बिल्कुल थोड़ी सी क्रीम लगानी है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्रम कोटिंग करनी है। क्रम कोटिंग यानी कि जितने भी लूज क्रम जो हमें केक कट करने में निकले हैं उनको हमको सील करना है। उसके बाद हम एक फाइनल कोटिंग केक के ऊपर लगाएंगे, जिससे कि हमें जो हमारी फाइनल कोटिंग है उसमें कोई भी रेड कलर के क्रम्स ना दिखे। तो यहाँ पे थोड़ी सी क्रीम अप्लाई करके सारे लूज क्रम्स को सील इन कर दीजिए। साइड्स में भी अगर दो लेयर्स के बीच में कोई गैप है तो आप उसको भी फ्रॉस्टिंग से फिल कर दीजिए अच्छी तरह से, और सारी एक्स्ट्रा क्रीम को अपने पैलेट नाइफ से रिमूव कर दीजिए। अब क्रम कोटिंग होने के बाद इसे अराउंड 30 मिनट्स के लिए हमें फ्रिज में रखना है, ताकि हमारी फ्रॉस्टिंग सेट हो जाए थोड़ी सी। तो यहाँ पे जो मुझे फिगर केक के ऊपर बनानी है उसके लिए मैं यहाँ पे डार्क चॉकलेट गनाश का यूज़ करूँगी। तो गनाश कैसे बनानी है उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मेरी जो नॉर्मल गनाश है उसी में से मैंने 2 टेबलस्पून अराउंड गनाश ले ली है, उसको हल्का सा 10-15 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव कर लिया है। तो कंसिस्टेंसी देख लीजिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। उसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले ताकि कोई लंप ना रहे गनाश में। तो यहाँ पे मैंने एक हाथ से बना हुआ कोन यूज़ किया है, क्योंकि ये बहुत ही परफेक्ट है पाइपिंग के लिए। पाइपिंग बैग से अगर आप कट करके इसको यूज़ करेंगे तो इतनी फाइन लाइन नहीं आती है। तो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल पॉलीथीन से हाथ से एक कोन बना लिया है, उसके अंदर मैंने अपनी गनाश को पोर कर लिया है। अब इससे मैं आउटलाइन करने का या केक के ऊपर लिखने का काम करूँगी। तो यहाँ पे मेरा कोन बन के तैयार है, और 30 मिनट्स के बाद मैंने केक अपना निकाल लिया है फ्रिज में से। अब यहाँ पे मैं अपना फाइनल कोट लगाऊंगी। तो मेरे को तो प्रैक्टिस है तो मैं पैलेट नाइफ से क्रीम अप्लाई कर लेती हूँ, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आप पाइपिंग बैग की हेल्प से ही पूरे केक के ऊपर क्रीम अप्लाई कीजिए, जिससे कि एक बहुत ही इवन लेयर केक के ऊपर आ जाती है। अगर आप स्टार्टिंग में ही पैलेट नाइफ से ही उस क्रीम अप्लाई करेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी इसको फिनिशिंग देने में। नॉर्मल नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम के कंपैरिजन में क्रीम चीज़ का जो टेक्सचर है वो काफ़ी क्रीमी बटरी टाइप का होता है, तो हैंडल करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। अब साइड में एक बारी स्मूथ कर लेंगे। यहाँ पे आप केक कार्ड या केक कॉम का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं पैलेट नाइफ से ही कर लेती हूँ। अपने पैलेट नाइफ को या केक कॉम को एकदम परपेंडिकुलर रखना है केक बोर्ड पे। अब टॉप को स्मूथ कर लीजिए। अब केक के ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए हमें 2-3 कलर्स की क्रीम का यूज़ करना है, तो मैं अपनी फ्रॉस्टिंग को ही 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करके उसमें जेल कलर या पाउडर कलर मिक्स करके डिफरेंट कलर की फ्रॉस्टिंग तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे एक मैंने रेफरेंस पिक्चर ली है अपने फ़ोन में, उसको देख के मैं केक के ऊपर टूथपिक से इसको ट्रेस कर लूँगी। और अब यहाँ पे मैं अपनी पिंक कलर की क्रीम बना रही हूँ। क्रीम का मतलब क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग है मेरा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने पहले जेल कलर का यूज़ किया, थोड़ा 2 ड्रॉप डाल के देखा लेकिन उससे अच्छा कलर नहीं आया, तो मैं यहाँ पे पाउडर कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे मैजिक कलर का एक सुपर विप पाउडर कलर्स आते हैं, बहुत ही पिगमेंटेड कलर्स हैं, मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा पाउडर कलर डाला है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे शेड आ गया है एक पिंक का। ये एक्चुअली मैंने रेड पाउडर कलर डाला है तो ये थोड़ा गाजरी टोन आ गया है। तो अब मैं यहाँ पे रोज़ पेटल का यूज़ करूँगी। इसको यूज़ करके मैं जो गर्ल बनाऊँगी केक के ऊपर उसकी ड्रेस मैं बनाऊँगी इस पेटल से। तो यहाँ पे एक पाइपिंग बैग में मैंने पाइपिंग नोज़ल डाल के ये क्रीम फिल कर ली है। तो पहले हमेशा स्पैचुला के ऊपर अपना थोड़ा सा पाइप करके देख लीजिए कि ठीक से क्रीम निकल रही है, उसके बाद ही आप केक पे यूज़ कीजिए। तो इस नोज़ल को जो ब्रॉड साइड होता है वो हमें केक की साइड रखना है, और जो उसका नैरो साइड होता है वो बाहर की साइड रखना है। तो इस तरह से आप मेरा हैंड मूवमेंट नोटिस कीजिए, इस तरह से हमें पेटल्स बनाते हुए ये ड्रेस बनाना है। तो जो नैरो साइड है, जो बंद वाला साइड है, वो हमें ऊपर की साइड में रखना है, मतलब अपनी साइड में रखना है।
और जो ब्रॉड वाला साइड है वो केक की साइड में रखना है। तो रफल की एक लाइन बनाने के बाद जो दूसरी लाइन बनानी है उसको हमेशा ओवरलैप करके बनाना है। तो पेटल्स बनाते हुए ये हमें पूरी ड्रेस इस तरह से बना लेनी है। अब मैं यहाँ पे अपना गनाश वाला कोन लूँगी, इससे मैं साइड्स में ट्री स्टेम्स बना लूँगी। अब इस ड्रेस का टॉप पार्ट और फ्लावर्स बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्लोज स्टार नोजल का यूज़ कर रही हूँ। जो विल्टन का 2D नोजल होता है उसी का ये स्मॉल वर्जन है। तो ऐसे ड्रॉप फ्लावर्स बनाते हुए मैं यहाँ पे इस ड्रेस का टॉप बना दूँगी और सेम नोजल से ही मैं फ्लावर्स बना रही हूँ स्टेम्स के ऊपर। अब जो गर्ल ने हाथ में बुकेस पकड़े हुए हैं उसमें मैं छोटे छोटे रोजेट्स बना रही हूँ सेम नोजल यूज करके। तो आपने देखा एक ही नोजल यूज करके हम कितने तरह के डिफरेंट डिजाइन बना सकते हैं। अब यही सेम नोजल यूज करके मैं केक के बॉटम में बॉर्डर भी बना दूंगी। तो मैं आपको स्पैचुला पे बना के दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये शेल डिजाइन बनाया जाता है। तो यही सेम डिजाइन मैं केक के बॉटम में चारों तरफ बना दूंगी। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अराउंड 2 टेबलस्पून ग्रीन कलर की क्रीम भी तैयार कर ली है। यहाँ पे मैंने मैजिक कलर का ही ग्रीन जेल, लीव ग्रीन कलर एक आता है उसका यूज़ किया है। 2-3 ड्रॉप्स डाली मैंने यहाँ पे। तो नॉर्मल पाइपिंग बैग के अंदर मैंने इसको फिल कर लिया है, कोई नोजल का यूज़ नहीं किया है। और पाइपिंग बैग में ही वी, एक छोटा सा वी कट इसकी नोजल पे लगा दिया था, तो उससे लीव की डिज़ाइन की पाइपिंग हो जाती है। उससे मैं छोटी छोटी लीव्स पूरे केक के ऊपर बना दूंगी। आप यहाँ पे अपनी इमेजिनेशन यूज़ करके कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पे केक बोर्ड पे भी काफ़ी जगह थी, तो मैं यहाँ पे भी छोटे छोटे फ्लावर्स और लीव्स बना रही हूँ जिससे थोड़ा और ब्यूटीफुल हो जाता है केक। अब मैं और फिनिशिंग टच देने के लिए कुछ शुगर स्प्रिंकल या शुगर बॉल्स का यूज़ करूँगी। तो मेरे पास यहाँ पे शुगर बॉल्स थी डिफरेंट कलर्स में, तो मैं इसकी ड्रेस पे कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा ये शुगर बॉल्स लगा रही हूँ, थोड़ा फ्लावर्स में लगा देती हूँ। तो अगर आपके पास भी कुछ इस तरह के स्प्रिंकल्स हैं तो आप अपने डिज़ाइन में उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उससे केक थोड़ा और ब्यूटीफुल हो जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ड्रेस में ऊपर टॉप में भी थोड़े से शुगर बॉल्स लगा दिए हैं, और इसके जो मैंने हेयर बन बनाया था इस गर्ल का उसके ऊपर भी मैंने हेयर एक्सेसरीज के तरह ये शुगर बॉल्स लगा दिए हैं वाइट कलर के। तो देखिए यहाँ पे मेरा ये खूबसूरत सा केक बनके तैयार हो गया है। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और मैं नेक्स्ट वीक फिर मिलूँगी एक बहुत ही डिफरेंट और खूबसूरत केक डिज़ाइन के साथ में। थैंक यू, बाय।